हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ये अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स का पार्ट फोर है इसमें अपन मेरी फील्ड सॉलिड फेस सिंथेसिस मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विथ इट ओके सो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली प्रिपरेशन रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड देन द ओल्ड मैथड एंड दिस इज द न्यू मैथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स सो मेरी फील्ड वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस मैथड एंड दिस मैथ इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमर सपोर्टेड सिंथेसिस बिकॉज यहां पर उन्होंने पॉलीस्टाइर का यूज किया था और पॉलिस है और यह पॉलीमर बना होता है से. तो स्टाइरीन का स्ट्रक्चर होता है सी एच डबल वन सी एच टू दिस इज स्टाइरिन द नॉर्मल नेम इज इथीन ठीक है इथिन इसीलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड है सो so, बेंजीन तो स्टाइरीन से जब इसकी यूनिट्स कंबाइन होती हैं और पॉलीमराइजेशन होता है तो सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू देन अगेन सी एच सी एच टू देन अगेन सी एच रिंग एंड दिस चेन कंटिन्यूज सो ये जो आपका है ये आपका है जो कि स्टाइरीन के पॉलिमराइजेशन से बनता है ठीक है एंड मेरी फील्ड ने इसी को यूज किया था इन विच अबाउट फाइव परसेंट जो था वो फेनिल ग्रुप्स थे जो कि कैरी कर रहे थे क्लोरोमिथिल ग्रुप को दिस इज द क्लोरोमिथिल ग्रुप ओके इन देयर पैरा पोजिशन सो यू ऑल नो कि ये ऑर्थो है ये मेटा है ये पैरा है तो पैरा पोजीशन पे पॉलीस्टाइरीन के मिथिल क्लोरो ग्रुप था जो कि यूज किया गया था फॉर सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स सो अब पॉलीस्टाइरीन से हमें पैरा पोजीशन पे मिथिल क्लोरो ग्रुप चाहिए तो क्या करेंगे सो वी विल ऐड फोर एंड रिमूवल ऑफ इथेनॉल विल टेक प्लेस एंड हियर आल्सो वन रिएजेंट दैट इज क्लोरो एथिल ईथर का यहाँ पर यूज किया गया हुआ है इथिल मिथिल ईथर ओके एंड आपको जो मिल रहा है वो है फंक्शनलाइज पॉलिस्टाइरिन ठीक है तो अब ये जो क्लोरोमिथिल ग्रुप है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके तरफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन सो so, न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन यू ऑल नो न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्सिट्यूट करेगा सो so, ये स्टेप्स हैं चार स्टेप्स में प्रोसेस होती है पांच स्टेप्स तो ये बहुत आसान लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है तो सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो है अमीनो एसिड जो कि प्रोटेक्टेड है अब ये देख लो आप ये किस ग्रुप से प्रोटेक्टेड है ना ये टर्शरी ग्रुप है यहाँ पर तो हमने दो रिएजेंट्स पढ़े थे एक था बॉक एक था सी बी जेड तो ये बॉक से प्रोटेक्टेड है ठीक है अब क्या होगा यहाँ पर अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार अपन देख लेते हैं कि बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड क्या था सी दिस इज द बॉक ग्रुप है ना टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हम यूज कर रहे हैं मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस में तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड का यूज हुआ है और ये क्या है पॉलीस्टाइरिन रिंग है है ना यहाँ पर मिथिल क्लोरोग्रुप लगा हुआ है अब क्या होगा कि एन टर्मिनस को हमने यहाँ प्रोटेक्ट किया है और सी टर्मिनस पे नेगेटिव चार्ज है ये आयनिक फॉर्म में है सी टर्मिनस तो सी ओ ओ नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन ग्रुप निकलेगा सो व्हाट विल हैपन कि डायरेक्टली सी एच टू से क्या बॉन्ड हो जाएगा सी ओ ओ और ओ सो so ये बस बॉन्ड हो गया बाकी पूरी चीज सेम है ओके नाउ इन द सेकेंड स्टेप व्हाट विल हैपन डी प्रोटेक्शन विल अकर डी प्रोटेक्शन होगा किसका अमीनो टर्मिनस का किसके प्रेजेंस में ट्राई इससे तीन हाइड्रोजन रिप्लेस होके थ्री एफ एड हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बनता है ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड तो इसकी प्रेजेंस में डी प्रोटेक्शन होगा अमीनो एसिड का सो so, ये वाला जो ग्रुप है आपका बॉग ग्रुप ये यहाँ से निकल जाएगा ठीक है तो आपका क्या बचेगा सी एच टू ओ सी ओ जनरल बस इतना बचेगा है ना ये तो रिमूव हो जाएगा जब ये रिमूव हो गया तो आपका सिर्फ इतना बचेगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा नाउ इन थर्ड स्टेप वॉट विल हैपन ये तो हमारा एक नॉर्मल सा पेप्टाइड है अब हम इसको दूसरे अमीनो एसिड से कपल करेंगे जो कि होगा दूसरा एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड अब इसकी कपलिंग होगी किसकी प्रेजेंस में डीसीसी की प्रेजेंस में डाइसाइक्लो हेक्सिल ग्रुप वाला जो था अपना डीसीसी ओके डीसीसी ग्रुप दिस यहां पे हमने कार्बोक्सी ग्रुप को एक्टिवेट किया था डीसीसी डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बो इमाइड इमाइड ग्रुप है ना ये रिएजेंट यूज होगा और स्टेप फोर जो है हमारा स्टेप थ्री जो है हमारा इसको हम दूसरे अमीनो एसिड से जब कपल करेंगे ठीक है तो ये होगा डीसीसी के की प्रेजेंस में अगेन यहाँ पे बॉक प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है ये और अब क्या होगा अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ठीक है जैसे ऊपर वाले स्टेप में हुआ तो यहाँ क्या होगा कि हियर द डिफरेंस इज डेट द डायपेप्टाइड फॉर्मड इज अटैच्ड टू द इनसॉल्युबल रीजन ओके तो जो हम पॉलीस्टाइरीन ये यूज कर रहे हैं इससे क्या होगा हमारी डायपेप्टाइड जुड़ी होगी ओके okay, तो ये हमारा दूसरा बॉक प्रोटेक्टेड एंड टर्मिनस को इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है ट्राइब डीसीसी की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी चेन है डीसीसी डीसीयू से डीसीयू के फॉर्म में निकल जाएगा ठीक है यूरिया। अब क्या होगा से <coughs> ये जो ग्रुप था आपका ये एज इट इज है एन एच सी एच आर सी एच आर और सीओओ बस है यहाँ पर बाकी जो यहाँ से था एन टू ग्रुप जो था इसका सी एच आर और एन एच टू यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा ठीक है एक एच और यहां से ओ एच सो ये हमारा क्या हुआ बन गया एक और चेन अब फिर से हमें डी प्रोटेक्शन करना है डी प्रोटेक्शन किसका अमीनो टर्मिनस का फिर से डी प्रोटेक्शन किसके प्रेजेंस में होगा एसिड प्रेजेंस में फिर से क्या होगा अगेन जो हमने ऊपर देखा था जब डी प्रोटेक्शन हुआ तो यहाँ से हमारा बॉक ग्रुप निकल गया तो यहाँ पर भी क्या होगा बॉक ग्रुप हमारा निकल जाएगा ये यह पूरा यहाँ से निकल जाएगा हमारा तो, ये पूरा निकल गया यहाँ एच एड हो जाएगा ये बन गया ओके okay, नाउ ये एक और पेप्टाइड मिल गई अब हमारे पास दो पेप्टाइड हो गई है अब हम क्या करेंगे नाउ वी विल इफ वी वॉन्ट टू स्टॉप इस स्टेप पे हमें स्टॉप करना है तो हम दोनों अमीनो एसिड को कंबाइन करेंगे ठीक है एच एफ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और हमें डायपेप्टाइड मिलेगी और हमारा ये जो ग्रुप है पूरा ठीक है ये निकल जाएगा अब यहाँ पे एच एफ है तो क्लोरीन की जगह यहाँ पर एफ आ जाएगा ठीक है सो इफ वी वॉन्ट टू स्टॉप एट द डाई स्टेज एंड वी डू नॉट विश टू सिंथेसाइज हायर पेप्टाइड तो बेंजिल एस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगी है ना यूजिंग एच एफ टू रिलीज द फ्रॉम द पॉलीमर चेन ओके सो लाइक ये बॉन्ड हमारी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी क्योंकि ये आर ग्रुप है ये आर ग्रुप है तो आर सी ओ ओ आर तो ये एक एस्टर है इसीलिए एस्टर बॉन्ड ब्रेक होगी ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा एफ यहाँ आ जाएगा एच अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ एच तो ये एन एच टू हो जाएगा चार्ज हट जाएगा अगर आप चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये नेगेटिव यहाँ एन एच थ्री पॉजिटिव सो दिस वॉज द मेरीफील्ड सिंथेसिस बहुत ईजी है आप एक बार इसको लिख के देखोगे यू विल फाइंड इट रियली इजी ओके नाउ अगर आपको ट्राइपेप्टाइड बनानी है तो आप फिर से एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड लोगे इसको फिर से डीसीसी की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और डी प्रोटेक्ट कर दोगे तो बॉग ग्रुप आपका निकल जाएगा तो ट्राइपेप्टाइड बन जाएगी सो आपने दोनों मैथड देखी ओल्ड मैथड भी देखी और अभी न्यू मैथड भी देखी मेरीफील्ड ने जो दी उसमें से आपको क्या लगा ये मेथड जो है ये हमारे लिए ज्यादा एडवांटेजियस है क्यों क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है यहाँ सॉलिड फेस मेथड यूज इसीलिए की गई है क्योंकि जो पॉलीमर बीड्स हैं जैसे पॉलिसटाइरिन का हम बीड्स के फॉर्म में यूज करते हैं तो ये क्या करती हैं बीड्स ये पेप्टाइड चेन को कैरी करती हैं और दे आर इनसॉलेबल इन द सॉल्वेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं इस मेथड में तो क्या होगा अब डायरेक्टली इनको प्योरीफाई कर सकते हो फिल्ट्रेशन से ठीक है अब कोई चीज़ इनसॉल्युबल है किसी सॉल्वेंट में तो आप डायरेक्ट फिल्टर कर लो उसको फिल्टर कर लोगे फिल्ट्रेट बाहर जो बचेगा वो उसमें इनसॉल्युबल पोर्शन रहेगा बट ऊपर जो था उसमें हम प्यूरिफिकेशन हर स्टेप में करना पड़ता था यहाँ पर ऐसा नहीं है पहला फायदा प्यूरिफिकेशन कैन बी डन कैन बी इजीली डन ठीक है ये क्वेश्चन आता है विच मेथड इज मोर यूजफुल एंड वाई ए और बी ऑप्शन दोनों दे सकता है मेरी फील्ड सिंथेसिस है उसके क्या एडवांटेज है वो बताओ लेस टाइम टेकिंग ठीक है देन थर्ड मोर एडवांटेजियस ये पॉइंट हटा सकते हो वैसे दो पॉइंट्स आर इनफ ओके नाउ हाँ फिल्ट्रेशन से वी कैन प्यूरीफाई इट ये आप थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो देन इन 1969 एंजाइम राइबोन्यूक्लियस सिंथेसाइज किया मैरी फील्ड ने ठीक है सॉलिड फेस सिंथेसिस के थ्रू आई मीन सॉलिड सपोर्ट के थ्रू देन ही डिजाइन अ मशीन उन्होंने एक मशीन डिजाइन की जिससे ये स्टेप्स जो थे ये ऑटोमेटिकली होते थे इसकी वजह से पेप्टाइड की सिंथेसिस बहुत सिंपलर और लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गई फिर ये जो राइबो न्यूक्लियस का सिंथेसिस है ये कैसे किया तो ये यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन है ये कभी कभी वन मार्क्स में पूछ लेता है कि राइबो न्यूक्लियस का सिंथेसिस में कितने अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ी थी तो 124 ट्वेंटी फोर एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड्स की यहाँ पे जरूरत पड़ी थी ठीक है देन द ऑटोमेटेड मशीन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था कम टाइम लगा था आइसोलेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी सिमिलरली इंसुलिन का सिंथेसिस हुआ था फिफ्टी अमीनो एसिड्स यूज किए गए थे दो सेपरेट चेन्स थी जिसमें फाइव हंड्रेड से ज्यादा ऑपरेशन अचीव किए गए कुछ ही के थ्रू फाइव हंड्रेड के ही फाइव थाउजेंड ऑपरेशन यहाँ पे यूज हुए जिसकी वजह से हमारा अचीव हो गया कुछ ही दिनों में ये सिंथेसिस इंसुलिन की ठीक है सो ऑटोमेशन इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन द पॉलीपेप्टाइड ओके ऑल्सो न्यू प्रोटीन्स एंड द पेप्टाइड्स कैन बी ईजिली सिंथिसाइज जो कि हमारे लिए यूजफुल है, है ना एंड uh, इसकी वजह से काफी सारे एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री फील्ड में एंड एन नंबर ऑफ फील्ड्स में हमारे लिए ओपन हुए ओके okay. नाउ अगर आपको अमीनो एसिड मिलता है तो एक कॉमन क्वेश्चन है आप लैब में कैसे डिटेक्ट करोगे कि यह अमीनो एसिड है हाउ यू विल कंफर्म इट कि हाँ ये अमीनो एसिड ही है सो यू कैन टेस्ट विथ इट व्हाट कॉपर सल्फेट के सल्यूशन से सो so, आप क्या करोगे अगर आपके पास अमीनो एसिड है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओगे डिस्टिल वाटर उसमें आप कॉपर सल्फेट का सल्यूशन ऐड करोगे सो यू विल गेट ब्लू कलर ब्लू कलर आपको इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की वजह से मिलता है कॉम्प्लेक्स बनता है ये ठीक है इस स्ट्रक्चर से यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है है ना अमीन जो है एनएस टू ग्रुप जो है लोन पर अपने दे रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स की वजह से आपको कलर मिलता है देन एक और है निन्हाइड्रन टेस्ट सो so, नि हाइड्रन टेस्ट से आपको जो कलर मिलता है वो पर्पल कलर मिलता है जिसको आप बोलते हैं रूहेमंस पर्पल क्योंकि साइंटिस्ट रूहेमन ने ये डिस्कवर किया था सो so, निन्हा हाइड्रन एक रिएजेंट है लैब में बहुत कॉमनली मिल जाता है ठीक है उनमें ये डिस्कवरी क्या होती है एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है डिस्कवरी कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाती है ठीक है एक्सपेरिमेंट वी डू डेस्परेटली डू बट कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रैंडमली डिस्कवर हो जाती है एक्सीडेंटली हम चाह नहीं रहे होते हैं कि हम उसे डिस्कवर करें बट वो हो जाती है सो निन वाज वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय रुहेमन इन नाइनटीन टेन सो ही वॉज एन जर्मन इंग्लिश केमिस्ट है ना और रिएक्शन अमीनो एसिड की जब नेन के साथ हुई तो उसी ईयर में उन्होंने ये नोटिस किया कि निनहाइड्रिन एक वाइट सॉलिड कंपाउंड है जो कि पानी में इथेनॉल में और एसीटोन में सॉलेबल है ठीक है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है प्राइमरी अमीनो एसिड सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करता है और पर्पल कलर बनाता है मतलब सोल्यूशन हमें पर्पल कलर का मिलता है वो किस वजह से मिलता है तो वो कंपाउंड है ठीक है और फिंगरप्रिंट्स का भी डिटेक्शन uh, के लिए आपने निन हाइड्रेन रियजेंट का यूज करते हो कभी कभी ठीक है ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है है ना बहुत सारी बीटा अमीनो एसिड्स भी देते हैं बीटा अमीनो एसिड्स क्या हुए जैसे अल्फा पे अमीन ग्रुप है वहां पे बीटा कार्बन पे अमीनो एसिड अमीन ग्रुप जुड़ा होगा सो so, इसका मैकेनिज्म ये दिया हुआ है देखते हैं अपन सो so, ये आपका एक नेनहाइड्रेन रिएजेंट है दो कीटोनिक ग्रुप है और दो एल्कोहलिक ग्रुप है ठीक है इसके साथ आपका अमीनो एसिड रिएक्ट कर रहा है वाटर की प्रेजेंस है क्या हो रहा है यहाँ पर ये यह जो कार्बन है इससे डबल बॉन्ड बना रहा है एन सो यहाँ से एच टू ओ मान सकते हैं हम कि निकल रहा है है ना और फिर सीओटो की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी रिएक्शन होगी तो आप ये डबल बॉन्ड एन सी एच सी ओ ओओ एच जो जुड़ा है ना और इससे आर ग्रुप भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर इन्हें आर ग्रुप लिखानी है ठीक है ये आर ग्रुप यहाँ है फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आप देखोगे कि यहाँ एच एड हो रहा है N डबल बॉन्ड सी एच आर तो सीओ टू यहाँ से आपकी देख सकते हो आपकी रिलीज हो रही है और ये जो एच है ये सी ओ की प्रेजेंस नहीं माइनस सी टू है सो so, यहाँ से एच जो है वो आपका इस कार्बन के पास आ जाएगा और यहाँ से सी टू रिलीज हो रही है ओके सी डबल बॉन्ड एन और आर बचता है फिर यहाँ पे वॉटर आप देखोगे कि सी एच एन एच टू एंड देन सी एच ओ आर मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप निकल रहा है सो आर सी एच ओ तो जब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो दो एच से ऐड हो जाएंगे नाइट्रोजन से और एक ओ इधर आ जाएगा तो एल ग्रुप यहाँ पे रिमूव होगा उसके बाद क्या होगा कि निनहाइड्रेन का रिएक्शन की प्रेजेंस में फिर से इस कंपाउंड की रिएक्शन होगी तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा सेम रिएजेंट है तो यहाँ पे ये यह देख सकते हो ना सेम रिएजेंट है तो ये आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा फिर से एच प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी अगेन व्हाट विल हैपन ब्लू वॉयलेट कलर की आप यहाँ देखोगे कि आपको रिंग मिल रही है सो एच प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये यह यहाँ शिफ्ट होगी ये बॉन्ड तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा इस पर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा ओके सो दिस इज द ब्लू वॉयलेट कलर विच इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट अमीनो एसिड्स एंड द पेप्टाइड्स वी हैव फिनिश्ड इट एंड आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा इसमें हमने क्या क्या पढ़ा इसमें हमने काफी पूरी ही चीजें पढ़ ली हैं अब हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ठीक है स्ट्रक्चर देख लिया सिंथेसिस देख ली लैब डिटेक्शन देख लिया मेरीफील्ड देख ली स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया था सिस देख ली अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर आपको आ सकता है मेरी फील्ड आती ही आती है ओके देन डी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में से किसी एक मेथड या डीसीसी का फुल फॉर्म डीसीयू का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे देन लैब डिटेक्शन पूछ सकते हैं गेब्रियल थेलेमाइड आती है ठीक है स्टीरो केमिस्ट्री आ सकती है बाकी ये दोनों शॉर्ट आंसर में आते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है ज्वेटरिक नेचर क्या है ओके okay. सो so, दिस इज़ ऑल इसके बाद हम वन थ्री फाइव के वन फोर सेवन के भी वीडियोज़ लाएंगे डोंट वरी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोजन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू